नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज डिजिटल में। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर यूपी के अमेठी से है। यहां एक और नकली अनामिका को गिरफ्तार किया गया। दरअसल आरती उर्फ आकृति उर्फ अन्नू, जो अनामिका शुक्ला के नाम पर काम कर रही थी और कन्नौज की रहने वाली थी, उसे अमेठी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक अमेठी ने बताया कि अनामिका शुक्ला के फर्जी घोटाले में अमेठी के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में भी एक अनामिका शुक्ला नाम की फर्जी शिक्षिका तैनात थी। इसी के संदर्भ में बीएसए अमेठी के द्वारा 6 जून को एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जिसमें फर्जी तरीके से गलत दस्तावेजों के सहारे नौकरी पाने का आरोप लगाया था। उसमें अनामिका शुक्ला के नाम से अमेठी में जो लड़की कार्यरत थी, उसका नाम आरती है, जो थाना बिशनगढ़ कन्नौज की रहने वाली है। अमेठी में वह 28 नवंबर के बाद कार्यरत थी। उस लड़की को थाना अमेठी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 32 सीटों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। किशनगंज जिले में स्थित AIMIM के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 22 जिलों में से 32 विधानसभा सीटों की सूची जारी कर दी गई है। बाकी सीटों के लिए विचार विमर्श जारी है। आपको बताते चले कि बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा निर्वाचन आयोग की तरफ से अभी नहीं हुई है, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों में सुगबुगाहट तेज हो गई है। तो वहीं AIMIM ने सीटों की घोषणा की है। प्रत्याशियों के नामों का ऐलान अभी बाकी है। खबर एमपी के देवास से है। यहां मंडी में रखा लाखों क्विंटल गेहूं बारिश के पानी में भीग गया। यहां मंडी प्रशासन की बुरी तरह पोल खुल गई। वहीं मंडी प्रशासन में लगातार अधिकारियों का दौरा रहता है, लेकिन फिर भी प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान मंडियों जो खामियां होती है उस पर नहीं होता। जयपुर में NSUI की ओर से राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राजस्थान सरकार से मांग की गई कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के छात्र छात्राओं को बिना परीक्षा दिए अगली कक्षा में प्रमोट किया जाए। साथ ही जो छात्र छात्राएं किराए के मकान या हॉस्टल में रह रहे हैं, उनका किराया माफ किया जाए। NSUI राजस्थान सरकार से भी एक मांग करती है कि जो विद्यार्थी पिछले 4 महीने के अंदर लॉकडाउन के अंदर फंसा हुआ है और अब उसको एग्ज़ाम दिलवाने का जो राजस्थान की कुछ यूनिवर्सिटियों ने घोषणा की है कि हम जुलाई के अंदर एग्ज़ाम लेंगे, और कुछ यूनिवर्सिटियों को हम धन्यवाद भी देते हैं। अमेठी यूनिवर्सिटी हो, जोधपुर की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हो, स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी हो, उन्होंने बिना परीक्षा छात्र छात्राओं को प्रमोट करने का आदेश दिया है। तमाम यूनिवर्सिटियों और राजस्थान सरकार से हमारा निवेदन है NSUI का कि ये एक देश की मुहिम NSUI ने निकाली है। हरियाणा सरकार ने NSUI के द्वारा PIR दर्ज करवाकर बिना परीक्षा प्रमोट छात्रों को किए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के छात्रों को प्रमोट बिना परीक्षा प्रमोट करने का आदेश निकाल दिया है। महाराष्ट्र की सरकार ने आदेश निकाल दिया है। राजस्थान सरकार से भी अनुरोध है कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर छात्र को बिना ओरिजिनल के आधार पर प्रमोट करें, बिना परीक्षा प्रमोट करें। NSUI महासचिव अभिमन्यु पूनिया के नेतृत्व में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों के विरोध में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया। विरोध प्रदर्शन की परमिशन न होने पर 5 या उससे अधिक लोगों को जमा होने पर अभिमन्यु समेत तमाम साथियों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर तितर बितर किया गया। मध्य प्रदेश में 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। कांग्रेस पार्टी के द्वारा सर्वे के आधार पर जिताऊ प्रत्याशियों की चयन की प्रक्रिया की जा रही है। प्रदेश की जिन 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उसमें से एक हिट पीपलिया विधानसभा भी है। यहां से कांग्रेस प्रत्याशी के दावेदार के रूप में सोनकच्छ नगर परिषद अध्यक्ष राजवीर सिंह बघेल भी प्रबल दावेदार हैं।
बघेल ने बताया कि उनके पास एक अज्ञात व्यक्ति ने मोबाइल नंबर से प्रशांत किशोर के नाम से फोन लगाकर मुझे बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने मुझे हाट पीपलिया विधानसभा उपचुनाव सीट हेतु प्रत्याशी चयन की जवाबदारी सौंपी है। साथ ही कहा कि सर्वे में आपका नाम प्रथम स्थान पर आया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एक और सर्वे करवा रही है। सर्वे करने वाले कोई राजस्थान के विधायक हैं और उनके सर्वे में आपका नाम कहीं पर भी नहीं आया। मैंने उक्त विधायक से उसका नाम सबसे ऊपर जोड़ने के लिए कहा, बदले में 11 लाख रुपए आपको उक्त विधायक को तुरंत पहुंचाने हैं। ये विधायक अभी ग्वालियर में ठहरे हुए हैं और मुझे ऐसा प्रतीत होता है प्रशांत किशोर के नाम से फोन करने वाला व्यक्ति ठग है तथा मुझे ब्लैकमेल कर पैसा हथियाना चाहता है। पोखरण शहर में स्थित राजकीय अस्पताल के चिकित्सकों व चिकित्सक कर्मियों ने एसडीएम अजय अमरावत को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में डॉक्टरों ने मंगलवार की रात्रि को अस्पताल में लगे डॉक्टर, फार्मिस्ट और एपीओ को लेकर विरोध जाहिर किया। गौरतलब है कि मंगलवार को चिकित्सालय के अंदर एक 1.5 वर्ष के बच्चे की उपचार के दौरान मौत हो गई, जिसको लेकर परिजनों ने अस्पताल परिसर के अंदर जमकर हंगामा कर लापरवाही बरतने वाले चिकित्सक, फार्मिस्ट और एपीओ करने की मांग की थी, जिस पर एसडीएम अजय अमरावत द्वारा दोनों कार्मिकों को एपीओ कर दिया गया था, जिसको लेकर चिकित्सालय के कार्मिकों ने एसडीएम को ज्ञापन सुपुर्द कर एपीओ किए गए डॉक्टर व फार्मिस्ट को वापस बहाल कर चिकित्सालय में नियुक्त करने की मांग की। कोलिया के जवान शहीद दिनेश सैनी का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। उल्लेखनीय है कि लखनऊ में इंडियन आर्मी ट्रेनिंग सेंटर में अचानक तबियत खराब होने के बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। तबियत खराब होने की स्थिति सिर्फ सैनी के साथ ही नहीं बल्कि डीडवाना के डाकीपुरा के जवान कमल किशोर भी इस तरह शहीद हो गए। बताया जाता है कि दोनों का सिलेक्शन एक साथ ही हुआ था और फिर दोनों को आर्मी ट्रेनिंग के लिए उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पहुंचे थे। सैनी मात्र 20 वर्षीय थे। बुधवार को सुभाष सर्किल पर गणमान्य लोगों ने पुष्प चक्र अर्पित कर देशभक्ति नारे लगाए। इस दौरान एक झलक पाने के लिए सभी जुट गए। डीडवाना से अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रभाती लाल जाट, पुलिस उपाधीक्षक गणेशा राम जाट, पुलिस थाना अधिकारी जगदीश प्रसाद मीणा समेत प्रशासनिक अधिकारियां भी कोलिया पहुंचे। यूपी के कानपुर में चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंका गया। यहां भारतीय जनता पार्टी के सेक्टर उपाध्यक्ष के नेतृत्व में चीनी राष्ट्रपति का पुतला फूंका गया। इस दौरान लॉकडाउन के तमाम नियमों का भी पालन किया गया। सेक्टर उपाध्यक्ष अमित साहू ने कहा कि चीनी सामान का बहिष्कार किया जाएगा। किसी भी कीमत पर लाल बंगला में चीनी सामान न बेचने के लिए व्यापारियों को जागरूक किया जाएगा। वे आम जनता को भी जागरूक करने के लिए जगह जगह बैनर लगाकर चीनी सामान का बहिष्कार कर आम जनमानस से अपील भी की जाएगी। खबर बिहार के किशनगंज से है। यहां राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं ने चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंका। इस दौरान युवा मोर्चा के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान चीन के खिलाफ और भारतीय सैनिकों के समर्थन में नारेबाजी की गई। खबर राजस्थान के झुंझुनू से है। यहां करणी सेना के जिला अध्यक्ष ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सुशांत सिंह ने आत्महत्या नहीं की, ये एक हत्या है और ये प्लानिंग मर्डर है। चार व्यक्ति 20 दिन के दौरान आत्महत्या करते हैं। सबसे पहले उसका दोस्त मनमरीत जिसने आत्महत्या की, फिर उसकी दोस्त मेहता उसने आत्महत्या की, उसके बाद में सुशांत सिंह की सेक्रेटरी ने आत्महत्या की और उसके बाद में 14 जून को सुशांत सिंह आत्महत्या करता। एक हुनार जिसने पूरे देश के अंदर बीटेक के अंदर 7वां स्थान रैंक प्राप्त की हो, मैं समझता हूँ वो व्यक्ति कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकता। बॉलीवुड के अंदर एक गैंग है जो छोटे शहरों से और ग्रामीण क्षेत्र से जो कलाकार जाते हैं उन्हें बेवजह परेशान करते हैं और उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, जिसके लिए उन्होंने ये कदम उठाया। हमारे देश के प्रधानमंत्री से मांग है कि
इस विषय की गंभीरता को देखते हुए इसकी निश्चित रूप से सीबीआई जांच होनी चाहिए, ताकि और कोई ओनार कलाकार इस तरह का कोई कदम नहीं उठाए। खबर यूपी के मेरठ से है। यहां ग्राम प्रधानों के कार्यों की पोल खुलती रहती है। ऐसा ही देखने को मिला गांव मुंडाली में, जहां गंदगी और खस्ता हालत को देखकर कॉलोनी वासी काफी दुखी हैं। वहीं गांव वासियों का कहना है कि कई बार प्रधान से इसके बारे में शिकायत भी की, लेकिन प्रधान के कानों पर जू रेंगने को तैयार ही नहीं। वहीं जब कॉलोनी वासियों ने रास्ते की बदहाली को लेकर इसकी चिंता प्रधान पद की दौड़ में चल रहे ठाकुर मिंटू तोमर से की, तो ठाकुर मिंटू ने देर न करते हुए तुरंत अपना ट्रैक्टर व दो मजदूर सहित रास्ते की साफ सफाई कराई। तोमर ने बताया कि हम इस तरह की परेशानियों से निपटने के लिए लगातार अभियान चलाएंगे। शासन अनेक योजनाएं जनता के लाभ हेतु चलाती है, लेकिन कुछ कर्मचारी अधिकारियों की वजह से इनका लाभ आम लोगों तक नहीं पहुंचता। वहीं दूसरी ओर शासन को भी आर्थिक नुकसान होता है। ऐसे ही एक योजना सीडीपी के तहत कर्मी पालन हेतु नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा तहसील के कृषक दौलत कुशवाहा ग्राम जमानिया कल्याणपुर ने अपने खेत की जमीन पर शहतूत की फसल लगाई, जिसमें कृमि का उत्पादन होता है। किसान द्वारा फसल खेत पर तो लगा ली गई है, लेकिन उससे उत्पन्न होने वाली कृमि के रखरखाव हेतु भी शासन राशि उपलब्ध कराता है, लेकिन किसान द्वारा भवन निर्माण तो अधिकारियों के कहने पर करा लिया गया, लेकिन उसकी राशि की पहली किश्त 25,000 ही किसान को अभी तक उपलब्ध हो पाई है। शेष राशि पाने के लिए कृषक लगभग 6-7 माह से अधिकारी कर्मचारियों के चक्कर काट रहा है। यदि उनसे बात की जाती है तो बस 2-4 दिन की बात कहकर बात को टाल देते हैं, जिससे किसान काफी परेशान है। चाकसू कस्बे में पहला कोरोना पेशेंट सामने आया है। दरअसल यहां वार्ड नंबर 9 में एक महिला की 2 दिन पहले मौत हो गई थी। संदिग्ध मानते हुए महिला का कोरोना सैंपल लिया गया, जिसकी आज रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं सूचना पर तहसीलदार और अन्य मेडिकल टीम पहुंची और महिला के परिवार के लोगों के सैंपल लेकर सभी को होम क्वारंटाइन किया गया। खबर राजस्थान के चाकसू से है। यहां नीलकंठ महादेव मंदिर में विवेकानंद यूथ ब्रिगेड और युवाओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और चीनी सामानों का बहिष्कार किया। पाकबाड़ा थाना क्षेत्र देर रात गरेठा गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। दोनों ओर से करीब आधा घंटे तक ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। इस दौरान दिल्ली का 50,000 रुपए का इनामी बदमाश गोली से घायल हो गया। पुलिस ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस उसका आपराधिक इतिहास की जाँच कर रही है। खबर राजस्थान के झुंझुनू से है, जहाँ गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर छावसरी ग्राम पंचायत के लोगों ने श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया। प्रताप सिंह की अगुवाई में ग्रामीणों द्वारा शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रताप सिंह ने कहा कि वीर जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। भारतीय सेना ऐसी हरकतों का माकूल जवाब देने में सक्षम है। मध्य प्रदेश के देवेंद्र नगर में पुलिस अधीक्षक की ओर से कोरोना महामारी के चलते सख्त कदम उठाए गए हैं। इस कदम के अनुसार लोगों को मास्क लगाकर बाहर निकलना अनिवार्य किया गया है। बाइक पर मास्क नहीं पहनने वालों पर धारा 188 व अन्य धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। साथ ही अब तक पुलिस की ओर से 85 लोगों पर कार्रवाई की गई है। TI की ओर से सभी क्षेत्रवासियों से अपील की गई है कि लोग बिना मास्क पहने घर से बाहर ना निकले। खबर बिहार के किशनगंज से है, जहां ठाकुरगंज के जदयू विधायक नौशाद आलम को ग्रामीणों ने बंधक बनाया। करुआमोनी पंचायत अंतर्गत बालूबाड़ी में विधायक को भारी विरोध का सामना करना पड़ा है। बताते चले कि सड़क निर्माण कार्य को लेकर ग्रामीणों के बीच विवाद चल रहा था, जिसकी सूचना मिलने पर विधायक नौशाद आलम गाँव के दौरे पर गए। इस दौरान विरोधी पक्ष के लोगों ने विधायक का घेराव कर उन्हें बंधक बना रखा है। मौके पर पुलिस पहुंचकर मामले को शांत कराती है। बताया जा रहा है कि विधायक अपने रिश्तेदार के घर जाने वाले रूट से सड़क बनाने की बात कर रहे थे, तो वहीं ग्रामीणों का मानना है कि जिस रूट से DPR बनना है उस रूट से सड़क निर्माण कार्य होना चाहिए। बहरहाल मामला फिलहाल शांत है। दोनों पक्षों की ओर से मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जाँच में जुट गयी है।
मेवड़ा के युवाओं ने अच्छीनाथ महाराज मंदिर के सामने चाइना के विरोध में प्रदर्शन किया और चाइना के राष्ट्रपति जिनपिंग की फोटो व चाइना का ध्वज जलाया और कड़ी नाराजगी जताई। और भाजपा जिला उपाध्यक्ष सुरेश शर्मा के नेतृत्व में युवाओं ने भारतीय सेना के 20 जवान शहीद होने पर उनको श्रद्धांजलि देकर युवाओं ने चाइनीज उत्पाद के बहिष्कार का भी संकल्प लिया। युवाओं व भाजपा कार्यकर्ताओं ने हाथों में चाइना के राष्ट्रपति जिनपिंग की तस्वीर, चाइना का ध्वज तथा पोस्टर बैनर लेकर अपना विरोध जताया। खबरों में फिलहाल इतना ही। इस तरह की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए नवतेज डिजिटल। नमस्कार।